गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का ये अवसर है। इस अवसर पर भारत से लगभग सभी प्रांतों से अधिक से अधिक जनपदों से 150 से भी अधिक उपासना पद्धति गुरु परंपराओं से जुड़े हुए संत महापुरुष आज यहां उपस्थित हैं। भारत की तमाम विधाएं हैं, खेल, विज्ञान, कला, लेखन, काव्य, वादन, सेना के अंदर अपना पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाने वाले, सेना का नेतृत्व करने वाले जनरल्स, प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी, दुनिया के किसी न किसी देश में राजदूत के रूप में काम किया, उद्योग जगत के लोग और जिनके परिवारों का कोई नागरिक कभी राम जन्मभूमि के लिए जीवन उत्सर्ग कर गया, ऐसे 16-17 प्रकार के समाज जीवन के लोगों को यहां निवेदन करके बुलाया गया है। सरकारों ने जिनको पद्मश्री दिया उनकी गुणवत्ता के लिए, ऐसे भी ये सब यहां उपस्थित हैं। ये संख्या लगभग 7,500 है। अरे दोनों भाई साथ में। बहुत छोटी सी नगरी है, 60-70 हजार आबादी की, मंदिरों की नगरी है। साधु संत जानते हैं युद्ध में क्या होता होगा, यथाशक्ति क्लोज है मेरा, सब कुछ किया गया। पसंद है भारतवर्ष में एक राज्य से एक वादक डिजिटल पेमेंट आई पाया था, अपने वाद्य यंत्र का सुंदर मधुर ध्वनि में यहाँ वादन करना प्रतिष्ठा। इस अवसर पर परिसर में पधारे देश के सभी संत महापुरुषों को, अन्य आमंत्रित जनों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से सादर अभिवादन। मैं आप सबको अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी परिसर में प्रवेश कर चुके हैं, उनका विचार है कि वे आज स्नान आदि के पश्चात गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, इसलिए वे परिसर के अंदर ही स्नान आदि के निमित्त पहुंच चुके हैं। हम सब जानते हैं कि ये मंदिर भारत के इतिहास में परिवर्तन का काल है। भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का ये अवसर है। इस अवसर पर आने के लिए उपस्थित हैं, ऐसी संख्या 25 है। एक राज्य, एक वाद्य यंत्र, एक वादक, और ये सब सेवा भाव से हो रहा है। इसमें कुछ भी व्यावसायिक वृत्ति किसी की नहीं है। कोई यहां से भूखा ना जाए, लगभग
सब यहाँ चल रहा है। और जिस तरह से शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा, उसमें वो शायद श्रीरंगम और रामेश्वरम गए, सब कुछ सुनने को मिलेगा। वहां के मंदिरों ने राम जन्मभूमि के लिए कुछ भेंट दी, प्रधानमंत्री जी अपनी गोद में रखकर लाए, वो यहाँ मंदिर में गर्भगृह में स्थापित की गई। महाकाल मंदिर देवरा बाबा के शिष्य मेहंदीपुर बालाजी, ऐसे तमाम स्थानों से प्रसाद आया है, वो भी यहाँ रखा गया है। आज के दिन का मुहूर्त काशी के गणेश्वर शास्त्री प्रवीण जी ने निकाला है, उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी दिया था। वो अपनी टोली के साथ आए हैं। कर्मकांड वाराणसी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी और उनकी टोली कर रही है। उन्होंने भी प्रयास किया है अधिक से अधिक राज्यों के वैदिक इस कर्मकांड में उपस्थित रहें। आप महानुभावों की जानकारी के लिए 120 से भी अधिक वैदिक सामूहिक एक नेतृत्व में 16 तारीख से 16 जनवरी से यहां कार्य कर रहे हैं। आप जिस स्थल पर बैठे हैं और मैं जिस आसन पर खड़ा हूं, इसके बीच में लगभग 20 फुट से अधिक का अंतर है। आप तो हम सब दूर तक देखने की कोशिश कर पा रहे हैं। मैं जहां बोल रहा हूं और आप जहां बैठे हैं, इसमें लगभग 20 फुट का अंतर है। इस परिसर में चारों ओर एक परकोटा बनने वाला है। आप परकोटे के प्रवेश द्वार पर बैठे हैं, सामने ये प्रवेश द्वार है। इस परकोटे में 6 मंदिर बनेंगे। आचार्य शंकराचार्य जी की पंचायतन पूजा, गर्भगृह में भगवान विष्णु का अवतार राम, परकोटे के चार कोनों पर शंकर, गणपति, सूर्य और भगवती, एक भुजा में हनुमान जी उत्तर, दक्षिण में हनुमान जी, उत्तर में माता अन्नपूर्णा, प्रभु श्री राम विराजने वाले। और हम देख सकते हैं वीआईपी मेहमानों का आना पहुंचना शुरू हो चुका है और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अयोध्या पहुंच चुके हैं, प्रांगण में पहुंच चुके हैं। उनके साथ उद्योगपति अनिल अंबानी भी हैं, पुत्र अभिषेक बच्चन भी हैं। और अमिताभ बच्चन जो हैं, वो इनका निमंत्रण जब भेजा गया था तभी से लगातार ये माना जा रहा था कि वो आएंगे और आ चुके हैं। और मुख्य आकर्षण का केंद्र इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि लगातार 4 दशक तक इन्होंने बॉलीवुड पर, भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री पर राज किया है। एक अरुण गोविल और रविशंकर प्रसाद देखे जा सकते हैं जो टीवी के रामायण है, रामायण में जिन्होंने राम का चरित्र निभाया था अरुण गोविल, वो इस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही रविशंकर प्रसाद नजर आ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो ना केवल पूर्व केंद्रीय मंत्री है, इस जगह पर इनका ये उल्लेख करना ही बहुत जरूरी बन जाता है कि जब श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान जो कानूनी दौर पे चले गए थे, कार्रवाई चली गई थी, उसमें श्री रविशंकर प्रसाद जो थे उनकी एक बड़ी भूमिका थी वकील के तौर पर। हम देख सकते हैं अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और साथ में उद्योगपति अनिल अंबानी भी मौजूद हैं। जी, तो कई बड़े चेहरे, शाहनवाज हुसैन दिखाई पड़ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, तो एक जिसको कहते हैं कि रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा पर आज तमाम जो वीवीआईपीज हैं, जो तमाम विशिष्ट अतिथि हैं, वो मौजूद हो रहे हैं। अरुण गोविल दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर,
अरे वहाँ आगे लोग खड़े हैं, बैठेगा तब ना, मैं तो दे दूंगा, लेकिन तो सारे लोग खड़े हैं, देखो मैं दे रहा हूँ ये राम ये। हाँ ये अभी यहाँ रामचरण जी का था, इसलिए उसको फ्रेम में रखा हुआ है, रामचरण का फादर जो है।